अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं जिस टॉपिक पे मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करने जा रही, मैं सिर्फ एक छोटी सी मैसेज सबको कन्वे करने जा रही हूं। एंड टुडे इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस एज सच, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने हमारे माइंड सेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी एक बंदे पे भी मेरी इस वीडियो का असर हो गया तो देर विल बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड, देर विल बी अवेयरनेस टूवर्ड्स समथिंग। वो ये है कि आज मैंने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं किया हुआ, ये देखें, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई, मैं दिस इज हाउ आई लुक, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी आंखों के नीचे हल्के हैं, आई नो दैट, ठीक है ना, आई नो दैट कि मेरे माथे पे ये लाइंस हैं, मुझे पता है, ठीक है ना, आई नो कि मेरी आंखों में स्क्विंट है, ठीक है, आई नो ऑल ऑफ दैट। पता नहीं अब और भी कुछ बातें शायद मुझे भूल गई होंगी, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, मुझे ये सब कुछ पता है, ठीक है। मुझे अगर कोई ये बताएगा तो इट्स नॉट न्यूज फॉर मी, मुझे कोई कहेगा कि तुम्हारी तो आंखों माथे पे लाइंस बन रही, तो मैं सोचती हूं कि मुझे तो पहले से पता है, तो मुझे ये क्यों बता रहा है, आपका आप बूढ़ी हो रही हैं या आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, मुझे तो पता है अपनी एज, आई नो आई एम एजिंग, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में हर साल में और मेरी एज ज्यादा होती है, इट विल शो ऑन माई फेस, ठीक है। अच्छा मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कहे कि तुम्हारे माथे पे लाइंस हैं, मुझे कोई कहे तुम भेंगी हो, मुझे कोई कहे कि तुम बूढ़ी हो रही हो या तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, या मुझे उस अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव कम टू दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ और डजंट मैटर टू मी एनी मोर। मेरा सिर्फ ये मैसेज है आप लोग उन लोगों के लिए कि जो इस किस्म के कॉमेंट्स लोगों पर पास करते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते कि किसी की लाइफ को ये कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। मैं इसको वेट के साथ लिंक करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिंक करती हूँ कि जिनके जो ओवरवेट होते हैं कहीं जाते हैं बाहर, कितनी मोटी लग रही हो कपड़े तुम्हारे कपड़े तुम पे फिट नहीं है, या फिर फलानी को बिरयानी के दो सर्विंग्स दो, इसको तो तीन सर्विंग्स चाहिए बिरयानी की क्योंकि इसका वेट ऐसा है, इस किस्म की कॉमेंट्स, इसको तो ज़्यादा दो, इसको तो प्लेट में ज़्यादा दो, ये किस किस्म की टॉक है, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि वो ओवरवेट है? दोस पीपल नो, जिनको आप बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कैसी लग रही हो, तुमने तो बड़ा वेट गेन कर लिया, क्या करती रही हो, क्या खाती रही हो, तो इस किस्म की बातें मुझे हैरानी होती है कि हमारे लोग क्यों करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन हु इज ओवरवेट, दैट पर्सन ऑलरेडी नोज, तो इसका क्या मकसद है किसी को ये रिमाइंड कराना, जैसे मुझे ये कहना, चलो मैं इसको दोबारा अपने पे डालती हूँ, तुम भेंगी हो, ये कोई मुझे कहेगा तो उस बंदे का क्या मकसद क्या है? या तो ये मकसद हो सकता है कि दे आर फीलिंग जेलस, या ये मकसद हो सकता है कि वो किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी को हर्ट करना चाहते हैं। आप किसी को ऐसे कॉमेंट्स तभी करते हैं कि आप अगर किसी को हर्ट करना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, तो जब आप कहीं जब जो ओवरवेट लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि इसको तो प्लेट में ज्यादा डाल के दो, वो उस बंदे को इन रियलिटी दुख देना चाहते हैं। तो आप किसी को क्यों दुख देना चाहते हैं? उस बंदे को तो पता है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू चेंज द माइंड सेट। जो लोग सफर कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूं कि वो क्यों कहते हैं, क्यों ये किसी को रिमाइंड कराते हैं कि तुम बहुत मोटी लग रही हो, क्यों ये कहते हैं किसी को, उसको तो पता है कि वो मोटा है, मैं बार बार वही बात कर रही हूं। तो इसके सिर्फ यही दो कौन से बातें हो सकती हैं कि या तो वो उसको हर्ट करना चाहते हैं, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अंदाजा है आप जब किसी को कहते हैं कि तुम बहुत मोटी लग रही हो, उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता है। मैं जब ये कंसल्टेशन करती हूँ, हैंग ऑन आई एम कमिंग, मैं जब ये कंसल्टेशन करती हूँ, मुझे मैं अपने जब पेशेंट से बात करती हूँ, कभी कभार इतनी स्लिम लड़कियां होती हैं जिनसे बात करती हूँ, कहती हैं हमें वेट लूज करना है, इसलिए क्योंकि सोसाइटल प्रेशर्स हैं उन पे, वो सोसाइटी उनको कहती है कि तुम मोटी लग रही हो, तुम मोटी हो, इतनी अच्छी स्मार्ट खूबसूरत होती हैं, इतनी प्यारी लड़की होती है, मन से कहती हूँ तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है, तो प्लीज इसकी सोसाइटी, ठीक है सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, लेकिन लेट्स चेंज दिस सोसाइटी, लेट्स चेंज, क्यों हम लोगों को ऐसे रिमार्क्स देते हैं, क्यों
क्यों क्यों मेरे इन-लॉज मुझ पे मुझे कहते हैं कि तुम बहुत, मेरे इन-लॉज में सब पतले हैं, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, इस किस्म की बातें. लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ. लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस वक्त उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही कि लव योर सेल्फ, इस वक्त मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि कोई ऐसे क्यों करता है किसी के साथ, ऐसे कोई किसी को क्यों कहता है, क्यों क्यों आप ऐसी बात करते हैं, किसी का दिल क्यों दुखाते. बस मैं यही कहने आई थी कि लेट्स, जो भी अब ऐसा करता है प्लीज स्टार्ट थिंकिंग कि अगर आप, मेरा ये ख्याल है कि आपको ऑपोजिट करना चाहिए, आप किसी को, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, बढ़ाएं लोगों का कॉन्फिडेंस, उनसे जब मिलें तो यू लुकिंग वेरी, क्यों क्यों, यू लुकिंग नाइस, यू लुकिंग लवली. और अगर आपके मुंह से किसी की तारीफ नहीं निकलती, प्लीज अपना मुंह बंद रख लें, ठीक है ना. लेकिन प्लीज डोंट ब्रिंग समवन्स कॉन्फिडेंस डाउन. मैंने ऐसी लड़कियों से बात की है जो कि बाहर जाना नहीं चाहती, वो निकलना नहीं चाहती घर से, क्योंकि इस इन रिमार्क्स की वजह से. आप किसी की, आपको अंदाजा नहीं कि आपके एक कॉमेंट से किसी की लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, पॉजिटिव से भी चेंज हो सकती है और नेगेटिव से भी. पॉजिटिव से आप उसके, उसको पुश दे सकते हैं, उसको बूस्ट दे सकते हैं उस बंदे को, और नेगेटिव से आप उसकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं. आपके लिए एक कॉमेंट, आप रात को सो जाएंगे, भूल जाएंगे, उस बंदे की पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है. ठीक है, बस मैंने यही कहना था. आई गेट रियली इमोशनल अबाउट इट बिकॉज नाउ, बिकॉज आई एम डूइंग माई कंसल्टेशन. मैंने ये रमजान से पहले स्टार्ट की थी, मैं ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं लोगों से, आप लड़कियों से, आप औरतों से, I'm chatting and I'm realizing that this is such a big problem in our society. And इसीलिए मैं आज without, मैंने आज कुछ bangles, कुछ rings, कुछ नहीं पहना. Just to show you कि be confident. अब जो लोग suffer करते, be confident in yourself. You all are beautiful. You all look nice. And to those people who give these comments, please stop. Just stop this. मैं हूँ फरिया जी, आप सबकी dietitian. Allah Hafiz.